हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश भी होंगे गाइस। ठीक है गाइस, देखो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम ये सर्टिफिकेट बना ले, वो सर्टिफिकेट बना ले, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे तो हो जाएगा क्या गाइस? ठीक है, जैसे कि अभी तक आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स या फिर DME मेडिकल फिजिकल एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तब तक आपका कोई भी अगर आपने कुछ गलती भी की है, जानबूझ के गलती भी की है, उसको आपने छुपा भी लिया है और पास भी हो गए हो, सिलेक्शन भी हो गए हो, और आपको लग रहा है कि ये मैं छुपा के आगे भी चल जाऊँगा, आगे भी चला जाऊँगा, आगे भी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तो ये गलत फहमी में मत रहना। बहुत बड़ा मैटर हो सकता है, ठीक है, यहाँ तक कि आपका लाइफ पूरा करियर खत्म हो सकता है। अगर आपने फ्रॉड करके अगर ज्वाइनिंग लिया तो आपका करियर खत्म हो सकता है, ठीक है, यहाँ तक कि आपका ऐसा करियर हो जाएगा कि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में ट्राई नहीं कर सकते, ठीक है, ट्राई नहीं कर पाओगे, अप्लाई नहीं कर पाओगे, ज्वाइनिंग तक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो फ्रॉड मत करना। एक मैं इसकी एक एग्जाम्पल ही बता देता हूँ कि जो हुआ था गाइस, ठीक है, उनके साथ अभी क्या हुआ है वो उसका नहीं पता, बट ट्रेनिंग पीरियड में क्या हुआ था, जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट रहता है, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहता है वो असली लाना, ठीक है, और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहता है, जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट रहता है या फिर SC ST OBC सर्टिफिकेट रहता है, वो भी ओरिजिनल ही बनवाना, ठीक है, वो भी ऑथराइज पर्सन से, जो कि गवर्नमेंट सरकार के द्वारा अधिकृत हो या सरकार के द्वारा वो उसको उधर बिठाया गया हो, उससे आप अपना डॉक्यूमेंट्स बनवा के लाना। किसी भी इधर उधर के लोगों से चक्कर में पड़ के मत लाना गाइस, ठीक है। हुआ क्या था मैं बताता हूँ। मेरे ट्रेनिंग का 3 महीना कंप्लीट हो चुका था। 3 महीने के बाद हम एक दिन क्लास में थे, हमने इंडोर क्लास ख़त्म करके आए, हमने रूम में जैसे ही घुसे तो वहाँ पर बताया गया था कि 6 या 7 लड़कों का नाम लिया गया था कि ये 6-7 लड़के फटाफट जाके ऑफिस में रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें कुछ पता भी नहीं था, मेरे प्लाटून का तो कोई नहीं था, फिर 1-2 नंबर प्लाटून 3 नंबर प्लाटून या कोई प्लाटून के थे, टोटल थे लड़के 7, ठीक है। उन 7ों को ऑफिस बुलाया गया, उनसे क्या बातचीत हुई हमें नहीं पता। फिर जब हम खाना खाने के बाद आने के बाद हमें पता चला रूम में कि 7 लड़कों ने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कुछ सर्टिफिकेट उन्होंने फेक बना के, मतलब एक स्टेट में रह के दूसरा स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के उन्होंने एंट्री लिया था फौज में, ठीक है। मान के चलो कि अगर मैं ओडिशा का हूँ, मैं ओडिशा में रहते हुए मैं आंध्रा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाता हूँ या आंध्रा से कोई भी सर्टिफिकेट बना के मैं ज्वाइनिंग करता हूँ कि मैं आंध्रा का हूँ, ठीक है, ऐसे उन्होंने किया था। तो उनको क्या हुआ गाइस, मतलब उन्होंने फेक सर्टिफिकेट बनाया, उनको बताया गया कि आपका ये जो सर्टिफिकेट्स आपने बताए थे दिए थे ये सारे के सारे फेक निकले हैं, हमने इसको चेकिंग करवाया तो फेक निकला है, तो हम इसके दौरान आपको अभी घर भेज रहे हैं, ठीक है। तो उनको तुरंत ही दोपहर का उन्होंने आई थिंक खाना भी नहीं खाया था, ठीक है, खाना भी नहीं खाया था उनको, दोपहर के टाइम ही उनका बेड वेड सब बांध बुंधा के सब उनको बाहर करके बोले कि आप अभी इस फोर्स में नहीं हो, आप फोर्स से बाहर हो, निकाल दिए गए हो, अगर आप सही हो तो आप आगे जाके जो भी आपका जो सर्टिफिकेट जो भी था जिसको हमने फेक कहा था उस सर्टिफिकेट को आप ओरिजिनल है सच है क्लेम करके केस करके आ सकते हो, ठीक है। उनके पास ऑप्शन था कि अगर वो सच होते तो अपना केस वेस करके वो फिर से ज्वाइन कर पाते, ठीक है, बट उन्होंने कोई भी केस नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स किया था, ठीक है। 7 लड़कों जिसके साथ हमने ट्रेनिंग किया, जिसके साथ हमने मिलके दौड़ा, खाया पिया, सोया रहा, पनिशमेंट खाए, उन्होंने मतलब वो निकल गए तो हमें बहुत तकलीफ होता है गाइस कि हमारा बैचमेंट का एक लड़का ऐसे डॉक्यूमेंट्स बना के आता है, लेकिन फिर भी हम उसको यही सहानुभूति देते हैं, भाई ठीक है तुम अगर सही हो तो जाके केस वेस करना, जो भी होगा वो आगे का प्रोसेस आप करके फिर से ज्वाइनिंग में आ जाना, अगर सही हो तो फिर से आ जाओगे, अगर आपने असली में फेक किया है तो आप नहीं आ पाओगे। तो उनको वैसे ही उधर बिना खोए भी उनका ना कोई ट्रेन का पता, ना कब जाएंगे, कब नहीं, कहाँ घर है, मतलब उनका घर तो पता है उनको, बट जाने के लिए तो एक ट्रेन का तो जुगाड़ होना चाहिए कि ट्रेन का टिकट मैंने कर लिया है, बट उनको दोपहर को ही आया, पता चला, डॉक्यूमेंट्स पकड़वाया, फिर उनको तभी उनको वहाँ पर निकाल दिया गाइस, ठीक है। तो वो बहुत बुरा होता है, निकाल दिया, फिर वो चले भी गए, उन्होंने कुछ केस वेस भी नहीं किया क्योंकि उन्होंने किया ही था डॉक्यूमेंट फेक, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप कोई भी डॉक्यूमेंट फेक मत करना, वो जो भी डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होता है, आप ट्रेनिंग कर रहे हो उस बीच हो सकता है या फिर स्टार्टिंग में भी हो सकता है, वो कभी भी हो सकता है, आप इसके चक्कर में मत रहना कि मैंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फेक बना दिए हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, कितना भी बड़ा जुगाड़ कर लो अगर फेक है तो पता चला, जिस दिन पता चला ना गाइस उसी दिन घर भेजेगा। अगर आपका सर्विस आपने 2-4 साल कर लिया उसके बाद भी अगर पता चला कि आपने फेक डॉक्यूमेंट्स बना के आपने एंट्री ली थी तो आपको वो निकालेगा, ठीक है। निकालने के साथ साथ अगर कुछ बड़ा अगर मैटर वाला हो गया होगा या फिर आपने ज़्यादा साल सर्विस करके भी आपने
फेक सर्टिफिकेट से आपने ज़्यादा साल सर्विस कर लिया होगा तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है या फिर मुकदमा भी चल सकता है, आपके ऊपर पनिशमेंट भी आपको मिल सकता है कि आपने फेक डॉक्यूमेंट्स बना के आपने नौकरी हासिल करने चाहिए ये वो आपको इतने दिन की सज़ा मिलती है और आप कभी भी कोई भी सरकारी जॉब के लिए अधिकृत नहीं हो पाएंगे या फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते या दे नहीं सकते। ऐसे अगर हो गया ना गाइस तो आप कभी भी कोई भी जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते। जो भी है असली डॉक्यूमेंट्स बनाओ, अगर कोई भी अगर फेक डॉक्यूमेंट बनाया है तो वो अच्छा है कि ज्वाइनिंग ना करे। हाँ, लेकिन अगर ज्वाइनिंग कर रहा है, अगर रिस्क ले रहा है तो भाई वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर फेक डॉक्यूमेंट बनाया हो तो ज्वाइनिंग मत करो, आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी सर्विस रहेंगी और भी आपको बहुत सारे मौका मिलेंगे, बट फेक बना के मत जाना गाइस, ठीक है। फेक बनाने से यही रहता है कि आपको एक मतलब आपका इमेज गलत बन जाएगा, ठीक है। तो बस यह है कि आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल बनाना, जो जो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं इसको बना सकता हूँ, इसमें बस 50-100 रुपये का खर्चा है बट आने वाले टाइम में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स बना लो। उसके लिए इतना सोचो मत कि भाई पुलिस वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट के बिना मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन रहा है तो मैं पुलिस वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं बनाता हूँ, तो ठीक है, नहीं चाहिए तो भी ठीक है, अगर बना लोगे तो भी क्या दिक्कत है बताओ, ठीक है। जो भी आपके SC ST OBC जनरल सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसको बस अपडेट करके रखना, या फिर जो आपने डॉक्यूमेंट्स के टाइम में आपने दिया था, DME के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए थे वही बस रखना, वो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आने वाले टाइम में मैं वीडियो बना दूंगा कि ट्रेनिंग के बारे में या फिर ज्वाइनिंग के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या लेके जाना है, ठीक है गाइस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।